थैंक यू नमिता, आई जस्ट फॉरगॉट टू रिकॉर्ड. चलो कोई नहीं. सो दिस इज द वन. यहाँ पे कटरा माउंड हो गया. अब आपको कंकाली टीला मिलेगा, एक जगह नाम है कंकाली टीला. और सुर्ख कोटल है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में ही. ऐसी बहुत सारी जगह हैं. आप सर्च करोगे, आपको ये सर्च करना है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या कौन कौन से साइट्स हैं. कुशान के बहुत सारे साइट्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं. स्कल्पचर्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको साइट्स पूछेंगे सिर्फ वो. और हिंदन महायान के बारे में पूछ सकते हैं ज्यादा ज्यादा. आपको ये जो म्यूजियम का भी जो मैंने बताया वो पूछ सकते हैं. मॉस्टेज वाले बुद्धा पूछ सकते हैं वो आपसे. बमियान वैली के बारे में पूछ सकते हैं. दैट्स द ओनली थिंग दे विल आस्क. और कुछ इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा. अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुशान चल रहा है, कुशान डायनेस्टी चल रहा है. इनका एंड कैसे हुआ, वी डोंट हैव एनी क्लू. ठीक है, वी डोंट हैव एनी क्लू. एंड बट अगेन मगध में, अगेन मगध में देर इज अ किंग कॉल्ड श्रीगुप्त. श्रीगुप्त टाइमलाइन में आए एंड ही स्टार्टेड गुप्ता पीरियड. एंड अब अगेन नॉर्थ में वापस आ गए. नॉर्थ की तरफ चल रहा है अभी पूरी तरीके से वापस से गुप्ता पीरियड में. गुप्ता पीरियड में बेसिकली देर वॉज अ किंग कॉल्ड श्रीगुप्त. श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच. घटोत्कच एक बेटा था उसका. और घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, ये तो एक बस एक आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी टेम्पल के साथ किसी किंग का नाम नहीं आएगा. ठीक है, तो दैट इज, ये सिर्फ आप उनको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ छोटा सा. चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद क्या होता है कि उनका भी एक बेटा आता है, दैट इज कॉल्ड समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. राइट, पहले श्रीगुप्त, फिर आपका आया घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त जो है, ही इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. अगर आपको नेपोलियन की स्टोरी पता हो, दैट ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री, यू नो, एक जनरल. वो अपने अपने रणनीतियों के लिए, यू नो, जो बेसिकली उनका जो एक जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होते हैं बेसिकली, उनके लिए वो बड़ा जाना जाता है नेपोलियन अपने, है ना. तो ऐसे ही यहाँ पे इस शख्स को, समुद्रगुप्त को, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन आया था कि सेकंड अशोक किसको बोला गया, दैट वाज कनिष्क. अब यहाँ पे एक आया है नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, सो दैट इज समुद्रगुप्त. अब ये क्यों कहा गया, ये किसने कहा, पहली बात तो ये भी लिख लेते हैं. इसको आप लिखेंगे ए डॉट वी स्मिथ, ए वी स्मिथ. He is the person, he is the art historian. आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो अगर आप देखना चाहें. So he gave this name, this title to him, Napoleon of India. और क्यों दिया basically? क्योंकि there is a एक एक इलाहाबाद में, इलाहाबाद में there is a pillar called Ashoka pillar. इलाहाबाद pillar. So इलाहाबाद pillar में क्या हुआ, अगेन वो पिलर है तो ऑब्वियसली वो मौर्यंस का था. सो मौर्यंस ने ना वहां पे, अशोका ने बहुत अपने बारे में बड़ा अच्छा चढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ एकदम बहुत अच्छे तरीके से. व्हेन समुद्रगुप्त सॉ दिस, वो बोला कि यार ऐसा तो मेरे को भी चाहिए, मैं भी बनवाएगा इसका अपने यहाँ पे. सो व्हाट ही डिड, उसने उनके नीचे अपने कारिस्तानी लिखना शुरू कर दिया, अपनी तारीफें लिखवानी शुरू कर दी उसने. और ये भी अगेन ब्राह्मी स्क्रिप्ट था और ये उसमें तो समझ में आ गया लोगों को, रिकॉर्ड तो हो ही गया. और जब पढ़ा तो पता लगा, ये तो जब आर्ट हिस्टोरियंस रिसर्चर्स ने पढ़ा तो पता लगा ये तो बहुत ही शानदार मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था. ये तो एक, तो इसके लिए इसके नाम भी, ये तो बिल्कुल ऐसा चाल चल रहा है जैसे नेपोलियन चलता है. सो ही वॉज गिवन टाइटल कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया. ये तो नेपोलियन ऑफ इंडिया है. और इसको किसकी वजह से, ये अशोका पिलर में जो जो लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ है वहां पे, उसमें जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक एडिक्ट था, उसमें इंस्क्रिप्शन था जिसके वजह से उसको ये नाम पड़ा. और वो जो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पिलर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है गुप्ता पीरियड के लिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली क्या था, प्रयाग प्रशस्ति. कभी आपसे पूछा जाए कि वॉट इज प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति इज
डॉक्यूमेंटेशन, अ ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुप्ता पीरियड। और ये कहाँ पर है? ये उसी पिलर में लिखा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं इस इसको। नाउ समुद्रगुप्त के बाद हम नीचे आते हैं तो देर इज अ चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड वाज उतना कुछ खास नहीं, बेसिकली यू नो लाइक उस टाइम तक ये ना एक फैशन हो चुका था कि अब जैसे मैंने बताया कि स्कॉलर्स रहते थे, तो इनके यहाँ पे भी एक नवरत्न रहते थे, पूरे नाइन नाइन स्कॉलर्स बेसिकली। तो उनमें कालिदास वाज वन ऑफ देम। कालिदास हो गए, बारामीरा एंड ये कुछ कुछ ऐसे और लोग थे। आप वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सर्च करना चाहे तो सर्च कर सकते हो कि और कौन थे उसमें से। राजी का प्रणाली, शी डिडंट गेट दिस लिंक, जस्ट अ सेकंड। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि यस नवरत्न थे, तो उसके उनके पास ना ऐसे नाइन स्कॉलर्स होते थे। कोई संस्कृत ग्रामर में अच्छा है, कोई मैजिशियन है, कोई पोएट अच्छा है, कोई ऐसे इस तरीके से सबके अपने अपने जिसमें वो स्कॉलर्स होते थे उनमें रख लेते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद वी हैव द अनदर गाय, हिज नेम इज कुमार गुप्त। ये इंपॉर्टेंट है। कुमार गुप्त क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कुमार गुप्त इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ, अगेन वन ऑफ द एंशियंट यूनिवर्सिटी एंड यू नो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। और नालंदा के बारे में कई बार आप सबने सुना होगा कि आए थे ये क्या बोलते हैं, कौन सा खिलजी था ये, नॉट दैट रणवीर सिंह वाला, देर इज अनादर खिलजी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका अभी, अभी आएगा तो विल सी दैट। सर अलाउद्दीन, नो नो दैट वाज द रणवीर सिंह वाला पार्ट, हिज नेम वाज बुल, जस्ट अ सेकंड, क्या था इसका नाम? सर एक चाइनीज स्कॉलर आया था, हाँ जी सर एक चाइनीज स्कॉलर आया था, हैंड शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल आया था वो, उसका मुझे यस बख्तियार खिलजी, देवांशी भूटान, बख्तियार खिलजी वाज द वन। एंड अभी हम आएंगे इसके ऊपर भी कि हाउ दिस मुस्लिम इन्वेडर्स इन्वेडेड इन इन आवर कंट्री, कहाँ से शुरू हुआ ये सब। सीधा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास सीधा दिल्ली सल्तनत ही आता है कि दिस स्लेव डायनेस्टी से, बट स्लेव डायनेस्टी से पहले वी हैव सम थोड़ा सा हिस्ट्री है पीछे, उसके बाद जाके फिर आते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सर्च करेंगे तो अभी जैसे वर्षा बता रही थी कि यहाँ पे एक वो एक आया था चाइनीज स्कॉलर, उसका नाम बोल रहा हूँ मैं, उसने पूरा डॉक्यूमेंट किया था कि क्या क्या चीजें थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा आज पता है कि इतनी सारी चीजें थी जो हम इन लोगों ने नष्ट कर दिया। ये इस तरीके से चीजें रही। एंड ये तो था इनका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जहाँ पे किंग्स वाला पार्ट था। तो ये समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस किंग्स। नाउ द मेन पार्ट दैट इज द टेम्पल्स। टेम्पल्स क्या क्या है कि गुप्ता पीरियड में टेम्पल्स का इंडियन हिंदुइज्म जो है यहाँ से ऐसा शुरू हुआ, एक इनिशिएटिव इन्होंने ऐसा लिया जो आगे जाके इन्होंने बिल्कुल बहुत आगे तक जाते जाते बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया बिल्कुल ही। ऐसा नहीं था कि गुप्ता ने डिक्लाइन किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बुद्धिज्म को भी अच्छा सा, इन्होंने भी बहुत काम किया बुद्धिज्म के लिए भी। इफ यू सी द रिकॉर्ड्स आप देखोगे कि बुद्धा के बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं गुप्ता ने, और उनमें से एक स्कल्पचर तो राष्ट्रपति भवन में भी है, आई विल डिस्कस, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ऐसे करके उन्होंने टेम्पल्स बनाना शुरू किया। बेसिकली हुआ ये कि जब टेम्पल्स इन्होंने बनाना शुरू किया, ये तो नॉर्थ में बना रहे थे क्योंकि ये नॉर्थ में ऊपर थे, ये लोग तो मगध में राज कर रहे थे उस टाइम पे, मगध साइड से। तो इंडिया का आप ऐसे जो नॉर्थ वाला ऊपर का एरिया है पूरा, वहां पे इन्होंने टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए। अब हुआ ये है, यहां से स्टोरी ना टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। टेढ़ी कैसे?
यहाँ पे चीजें ऐसे चल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम गुप्ता के बाद हम पढ़ते हैं दिस, क्या नाम था इनका, चंदेलाज को पढ़ते हैं. ठीक है, गुप्ताज के बाद हम चंदेला को पढ़ते हैं, चंदेला के बाद सोलांकी, सोलांकी के बाद फिर बाकी के, सो ऑन चलते रहेंगे उसमें. सो अब यहाँ पे क्या होता है कि गुप्ता जैसे शुरू हो जाता है, इन्होंने टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिया. अब इनके अपने ही स्टाइल्स हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल है इनके बनाने के. सुषमा शर्मा, शी इज क्वाइट लेट, 7 मिनट बचे सिर्फ. सो सो यस, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने टेम्पल्स बनाना शुरू किए, तो टेम्पल्स के ऊपर हम एक एक पर्टिकुलर टेम्पल्स के ऊपर हम थोड़ा बाद में आते हैं. अभी एक पूरा सा प्लॉट समझ लेते हैं टेम्पल्स का, जो कि आपको सबसे मुश्किल यही वाला पार्ट होता है हमें समझना, कि ऐसा क्या होता है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. सबसे एक बेसिक सा चीज है, हमने इतना तो हमें पता है कि टेम्पल्स को चार अलग अलग स्टाइल्स में बांटा गया है हमारे हिस्ट्री में. सबसे पहला स्टाइल जो डेवलप हुआ, दैट वॉज द नागर स्टाइल, नागर शैली जिसको हम बोलते हैं, या फिर नागरा स्टाइल, जो नॉर्थ में हुआ. उसके बाद नीचे आए हम, नागर के बाद वहां पे शुरू हुआ दिस द्रविडियन स्टाइल. एक द्रविडियन स्टाइल शुरू हुआ, जिनको बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने नागर और द्रविडियन बहुत ही अलग, एकदम ऑपोजिट, मतलब कि उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल में भी और उनके एलिमेंट्स में भी टेंपल के बहुत डिफरेंस था. उसके बाद क्या किया, नीचे इधर आए चालुक्यास, वो अभी आएंगे, एक एक करके अभी आऊंगा, सिर्फ प्लॉट समझते हैं. फिर इधर कोई आया, अभी हम पहले थे, मान लीजिए एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, ऊपर की तरफ नॉर्थ में, नॉर्थ में मान लीजिए दिल्ली, मान लीजिए आप दिल्ली, बिहार, यूपी, सेंट्रल वाला एरिया नॉर्थ का, वहां पे चल रहा है नागर. नीचे साउथ, केरला, तमिलनाडु, मदुरई, इधर आए, इन्होंने किया द्रविड़ियन टेक्चर, द्रविड़ियन आर्किटेक्चर. अब इधर आए ये महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र और उससे थोड़े से नीचे एरिया में, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला साइड पे, इधर क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने देखा गुप्ता, इन्होंने देखा नीचे साउथ, अब इन्होंने दोनों का मर्ज करके एक अपना स्टाइल बना लिया. अब बोला कि हमारा स्टाइल है अपने आप से, बस उन्होंने थोड़ा सा वहां से उठाया, थोड़ा यहां से उठाया और बोल दिया अपना स्टाइल है. अब इसी बीच के बाद क्या होता है, इस बीच में उड़ीसा, जो मैप का बिल्कुल एकदम ईस्ट वाला साइड है हमारा, वहां पे आते क्या हो जाता है कि उड़ीसा भी जो है एक टाइम पे नागर स्टाइल के अंदर ही आ रहा था, लेकिन वहां पे एक किंग आया, गंगा डायनेस्टी आया एक, उस डायनेस्टी ने बोला कि हम क्यों अलग रहे, हम क्यों जुड़े इनके साथ, हम भी अलग बनाएंगे, हमारा भी अपना स्टाइल रहेगा. तो उन्होंने फिर वहां पे एक अलग स्टाइल किया, जिसको बोला गया कलिंगा स्टाइल, कलिंगा आर्किटेक्चर, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंगा जिससे पड़ता है, कलिंग. तो अब यहाँ पे हमारे पास चार तरह के स्टाइल्स हमें मिलते हैं, ऊपर नागर स्टाइल, नीचे द्रविडियन स्टाइल, जो इधर हुआ बॉम्बे की तरफ, मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, उसको बोला गया बेसर स्टाइल, बेसरा, या फिर आपको बेसर मिल जाता है स्टाइल बोलना, बेसर, और इस साइड में कलिंग. तो आपके चारों डायरेक्शन में आपके पास अलग अलग स्टाइल्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें से सबसे पहले ही आया ऑब्वियसली ये गुप्तास, भारत नॉर्थ में. अब चीजें यहाँ पे ना ये हो रहा है कि आप एक चीज को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये इस टेम्पल्स वाले सेक्शन का, कि मैं अभी शिमला से, शिमला में हूं, मैं अभी शिमला में राज कर रहा हूं. आप हैं कोई, आप में से कोई दिल्ली से हैं अभी आप, और कोई चंडीगढ़ से है. फॉर एग्जाम्पल, हम पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, आर्ट शुरू कर रहे हैं अपने अपने सिटीज में. मैंने शुरू किया और अभी हम तीनों एक साथ हैं, मतलब अभी 2022 चल रहा है ना, अभी हम एक साथ राज कर रहे हैं, एकदम कंटेम्पररी हैं एक दूसरे के हम सब तीनों. अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले शुरू किया 2022 में, मैंने आर्ट शुरू किया. मेरे को देखा देखी जो दिल्ली से है उसने 2025 में शुरू किया, उसको देखा देखी फिर चंडीगढ़ वाले ने 2030 में शुरू किया. ठीक है, तो जो एक हमारे पास ना दो तरह की हिस्ट्रीज हैं, एक है आर्ट हिस्ट्री और एक है एक्चुअल हिस्ट्री जो हमारे पास है
जो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जो, सो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है वो ये कहता है कि हम तीनों एक ही टाइम पे थे, हम कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के। लेकिन आर्ट क्या बोलता है, पहले मैं आया, पहले सम्राट आया, उसके बाद जो दिल्ली से है वो आया, और उसके बाद फिर चंडीगढ़ वाला है। गौर है ये क्या हो रहा है, वो आर्ट के पर्सपेक्टिव से आपको चैनलाइज कर रहा है, ऊपर नीचे कौन किसके वो हायरार्की में डाल रहा है, क्योंकि आर्ट किसने पहले शुरू किया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही चल रहा है। गुप्ता के टाइम पे नीचे जितने भी आप जो देखते हो ये डायनेस्टीज सारे एक्टिव थे। इवन हम आर्ट हिस्ट्री में चोला को सबसे एंड में पढ़ते, बट चोला वॉज एक्चुअली रूलिंग वेन मौर्यंस वॉज देयर। जब मौर्यंस थे तब भी इंपीरियल चोला, जो सबसे लास्ट वाले ये इंपीरियल चोला है अभी जो हम लास्ट में पढ़ते हैं, जिनको जो प्रॉपर चोलास थे देवर रूलिंग इन साउथ, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये पूरा एरिया, फिलीपींस, ये पूरा एरिया वॉज कैप्चर्ड बाय चोलास उस टाइम पे। सो लेकिन उसका टाइम पे नाम नहीं था, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आर्किटेक्चर शुरू नहीं किया। आर्किटेक्चर कब शुरू किया, जब सब कर रहे हैं, जब देखा देखी ओहो चलो हम भी शुरू कर। इस वजह से हम चोला को सबसे एंड में गिनते हैं। चालुक्यास हम बहुत बाद में गिनते हैं, चालुक्यास वर वेरी कंटेम्पररी टू गुप्ताज आल्सो। चंदेला भी एकदम कंटेम्पररी थे उस इसके चालुक्यास के, लेकिन वो ऐसे काउंट नहीं होते। लेकिन अब अभी हम पढ़ रहे हैं आर्ट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो हम आपको एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, बट आप इसको ये भी दिमाग में रखेंगे कि सब पहले एक दूसरे से कंटेम्पररी थे। ये हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगी वहां पे। सो शुरू करेंगे हम गुप्ताज से। हाँ अंजलि धीमान नाउ, अब तो एक मिनट रह गया, बहुत लेट लेट आ रहे हैं आप लोग। सो इस तरीके से जो है टेम्पल्स और ये सारी चीजें शुरू हुई। सो बेसिकली क्या हुआ, सिर्फ फर्क इतना है सब में, सबको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कुछ कुछ एलिमेंट्स ना सिर्फ वहीं पर है, किसी पर्टिकुलर चीज में ही है, जिस वजह से आप पहचान सकते हो कि ये टेम्पल इस इस एरा का है या फिर इस शैली का है, इस स्टाइल का है, इस आर्किटेक्चर का है। सब में कुछ ना कुछ चीजें, अलग अलग चीजें थोड़ी सी हैं, वो हम अभी जो है देखते हुए चल देंगे। देयर इज जस्ट अ 1 मिनट, we will have a 10 minute break, right? आप fresh हो जाए, थोड़ा सा relax हो जाए, and 1:22 हो रहा है, 1:35 में मिलते हैं हम, right? There is जब वैसे भी time खत्म होने वाला है, so right? हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 10 मिनट के break के बाद। Thank you.